हेलो एवरीवन। तो अब शुरू करते हैं मसल्स ऑफ अपर लिम का सेकेंड पोर्शन। अभी एनटीए फोर आर्म को देखते हैं। अभी हमने पोस्टीए फोर आर्म को देखा, अब हम एनटीए फोर आर्म के मसल्स को देखते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ये देखिए, मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट। देयर आर मैनी मसल्स इन द फोर आर्म। इन एंटीरियर कंपार्टमेंट दे स्प्लिट इंटू थ्री कैटेगरीज, स्प्लिट इन टू थ्री कैटेगरी, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड डीप। अच्छा, कुछ बुक्स में इंटरमीडिएट जैसा कोई वर्ड नहीं दे रखा, सुपरफिशियल को ही इंटरमीडिएट बोलते हैं। मतलब सुपरफिशियल में जो लास्ट लेयर है, जस्ट अबव द डीप लेयर, उसी को हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शन में कट करके देखें तो इस मसल की पोजिशन कुछ ना कुछ बीच में होती है, इसीलिए उसको इंटरमीडिएट में रखा जाता है। तो यहाँ पर भी हमने जिस तरीके से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सुपरफिशियल और डीप में पढ़ा था, वो वही सबसे आसान तरीका है। अगर आप अरेंजमेंट को याद कर लेते हैं तो सबसे आसान तरीका वही है, पेपर में लिखने के लिए, वाइवा के लिए, हर जगह आपको वही काम आने वाला है। इन जनरल मसल्स इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म परफॉर्म फ्लेक्शन एट द रिस्ट, फिंगर्स एंड प्रोनेशन। तो देखिए, ये जो मूवमेंट है रिस्ट पर फ्लेक्शन, और ये फिंगर्स का फ्लेक्शन, ये ओवरऑल प्रोनेशन। तो ये हो गया सुपिनेशन, ये हो गया प्रोनेशन, प्रोनेशन। तो ये तीनों मूवमेंट कराने का काम किसका रहता है? एंटीरियर कंपार्टमेंट का। एंटीरियर कंपार्टमेंट ये है, पोस्टीरियर हम पढ़ चुके हैं इधर वाला, इसको एक्सटेंसर बोलते हैं, एक्सटेंसर ऑफ रिस्ट है ना। तो हमने पोस्टीरियर में क्या पढ़ा था कि वो मैक्सिमम क्या है, एक्सटेंसर्स, और ये क्या है, फ्लेक्सर्स। फ्लेक्सर एक्सटेंशन क्या है, ये मैं आपको जनरल वीडियो में बता चुका हूँ। नाउ सुपरफिशियल कंपार्टमेंट हैज़ हैविंग फोर मसल्स। द सुपरफिशियल मसल इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट आर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। कार्पाई मैंने पहले भी बताया था, कार्पाई इज फॉर रिस्ट। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर टेरिस। तो ये चार मसल है सुपरफिशियल कंपार्टमेंट की। ऑल ओरिजिनेट, कोई एक्सेप्शन नहीं है, जबकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सब लेटरल कॉर्डाई से होते थे, लेकिन वहाँ एक्सेप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन कोई भी नहीं है, ये ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन टेंडन विच अराइज फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। आपको मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस क्या है नहीं पता, तो आप ह्यूमरस की बोन वाली जो मैंने वीडियो डाली है वो देखिए, उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जबकि अगर मैं यही वर्ड लेटरल एपिकोंडाइल कब आता है, ये आता है जब हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल पढ़ते हैं। लेकिन सारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स लेटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट नहीं होती, केवल चार ही होती है, तीन नहीं होती। जबकि यहाँ पर सारी की सारी मिडिल कोंडाइल की जो मसल्स हैं, मिडिल कोंडाइल से ही जो मसल्स हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की, वो सारी की सारी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मीडियल एपिकोंडाइल से। अब हम देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन सी मसल है। फर्स्ट नंबर पर है प्रोनेटर टेरिस, सेकेंड नंबर पर है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। देखिए इसकी लेवलिंग कर लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे पहली मसल है, ये जो मसल है देखो सिंपल है, ये है मीडियल एपिकोंडाइल और ये है लेटरल एपिकोंडाइल। अब मीडियल एपिकोंडाइल से ही देखिए, यहाँ इस पॉइंट से सारे के सारे ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इस ओरिजिन में पहले मसल जो है वो कौन सी है आपकी, जो सबसे लेटरल बॉर्डर बनाएगी, मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट का लेटरल बॉर्डर। तो हम यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो ये लेटरल हो गया और ये मीडियल हो गया। तो लेटरल एपिकोंडाइल की तरफ जो बॉर्डर बनाएगी उस मसल का नाम है, या हैंड का जो लेटरल सरफेस बनाएगी उस मसल का नाम है प्रोनेटर टेरिस। क्या नाम है? प्रोनेटर टेरिस। ठीक है। और सुपरफिशियल मसल में अगर कोई मीडियल बॉर्डर बनाएगी, ये तो हो गई लेटरली और ये हो गई मीडियली। तो देखिए यहां पर ये आ गया अरेंज। तो सेकंड मसल का नाम है, ये जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाई है, ये मसल है फोर्थ नंबर की मसल, और इस फोर्थ नंबर की मसल का नाम है फ्लेक्सर कार्पाई
अल नेरिस, ठीक है, क्या नाम है, अल नेरिस। इसके बाद नंबर टू पे चलते हैं, अब इन दोनों के बीच की मसल्स को देख लेते हैं। नंबर टू पे चलते हैं, नंबर टू पे इसको अलग कलर से मैं बनाता हूँ, ये मसल भी, और कहाँ हो रही है, रिस्ट पर। तो ये टू नंबर पे है, तो टू नंबर पे कौन सी है आपकी, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पर एक मसल है, ये बीच में, ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन कलर से जो थर्ड नंबर पे बना रहा हूँ, इसका नाम है पाल्मेरिस लॉन्गस। कौन सी है, पाल्मेरिस लॉन्गस। तो ये यहाँ पर एंटी कंपार्टमेंट में टोटल चार सुपर एंटी, ये एंटी कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल लेवल पर चार मसल्स हैं, ये चारों की चारों मसल हो गई हैं। और ये देखिए, यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स नंबर भी दिया गया है। फिफ्थ नंबर क्या बता रहा है, फिफ्थ नंबर एक स्ट्रक्चर बता रहा है, ये देखिए, बैंड बनना है ना, एक बैंड ये, और एक बैंड ये बन रहा है देखिए, जो सारी फिंगर्स पर अटैच हो रहा है। तो जो पिंक कलर से बैंड बनाया है, जो फिफ्थ नंबर, इसको मैं बोलता हूँ फ्लेक्सर रेटिना कुलम। ये क्या है रेटिना कुलम, इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अभी। और एक है पाल्मर एपो न्यूरोसिस, ये दो अलग वर्ड है थोड़े से, ये भी मेन स्ट्रक्चर है एंटी कंपार्टमेंट के, ज़्यादातर वाइवा में यही पूछे जाते हैं। तो ये आप याद रखिए कि जो फ्लेक्सर रेटिना कुलम है, उसी फ्लेक्सर रेटिना कुलम पर दोनों टेंडन आकर जुड़ रहे हैं कार्पल से डायरेक्ट, और ये एक शीथ बना रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की। और पाल्मर एपोन्यूरोसिस क्या है, एपोन्यूरोसिस मतलब कोई टेंडन जब फ्लैट हो जाता है तो क्या बनाता है, एपोन्यूरोसिस। तो ये जो ग्रीन कलर का जो मसल है, कौन सी मसल है, ये पाल्मेरिस लॉन्गस। तो ये पाल्मेरिस लॉन्गस आगे जाके विड्थ में बढ़ जाएगी, और यहाँ पर ये क्या है, मेटाकार्पस। तो यहाँ पर तीनों मेटाकार्पस पर ये इंसर्ट हो रही है, आपको दिख रही है, फर्स्ट को छोड़कर और लास्ट वाले को छोड़कर, मतलब इन लिटिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर को छोड़कर, ये तीन जो इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन तीनों पर ये इंसर्ट हो रही है, इसी को बोल रहे हैं पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। पाल्मेरिस लॉन्गस के टेंडन को ही हम आगे जाके बोल रहे हैं पाल्मर एपोन्यूरोसिस। तो ये हो गई हमारी चार सुपरफिशियल मसल। अब देखते हैं इन मसल्स की डिटेल, इनका ओरिजिन क्या है, कैसे है। तो सबसे पहली मसल जो आती है इसमें कंपार्टमेंट में, उसका नाम है फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस अटैचमेंट, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल एपिकंडाइल। मैंने बताया था सारी मसल्स कहाँ से हो रही हैं, मिडिल एपिकंडाइल से। विद द अदर सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग ओरिजिन, इट हैज़ अ लॉन्ग ओरिजिन फ्रॉम अल्ना, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने पर बताऊंगा मैं इस लाइन का क्या मतलब है, इट हैज़ लॉन्ग ओरिजिन फ्रॉम अल्ना, मतलब देखो मीडियल एपिकोंडाइल से तो ये अरे हो ही रही है ओरिजिनेट, यहाँ पर इसकी थिकनेस बढ़ रही है, तो इसके कुछ फाइबर्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अल्ना से। तो जो डार्क हो रखे बोन वो अल्ना है, और ये वाइट कलर वाली बोन रेडियस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरी, मैं अब पूरे को कलर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये इंसर्शन हो गया, कहाँ पर हो रहा है, इट इंसर्ट पास इन टू रिस्ट एंड अटैच टू द पिसी फॉर्म कार्पल बोन। कौन सी बोन, पिसी फॉर्म कार्पल बोन, समझ में आ गया। एक्शन क्या है इसका, फ्लेक्जन एंड एडक्शन ऑफ रिस्ट। तो फ्लेक्जन भी कराएगा, और ये फ्लेक्जन भी कराया और एडक्शन भी कराया, क्योंकि जब आप हाथ को अंदर की तरफ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिड लाइन जो है हमारी बॉडी की, उसकी तरफ इसका मूवमेंट होता है। तो फ्लेक्जन कभी ऐसा बाहर की तरफ नहीं होता,
फ्लेक्जन हमेशा अंदर की तरफ होता है, मिड लाइन की तरफ। तो ये क्या है, फ्लेक्जन प्लस एडक्शन ऑफ द रिस्ट। और इसकी नर्व सप्लाई किससे होती है, अल्नर नर्व से। देखिए वाइवा के टाइम पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, पूरे हैंड की अपर लम्ब की मैंने पूरी उसमें मसल दे रखे हैं ट्रिक के साथ। आप उसको 2-3 बार देखें, उसको लिख कर एक पर्चा बना लें। आपको पहले वो याद होना चाहिए, उसके बाद ये डिटेल याद होनी चाहिए, तो फिर आपके अपर लिम्ब की मसल्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये हो गए फ्लेक्जर कार्पाई अल्नरिस। सिंपल हमें पता चल गया कि मिडिल एपिकोंडाइल से ओरिजिन हुआ है, मैक्सिमम फाइबर्स अल्ना बोन से भी आ रहे हैं, इंसर्शन पीसी फॉर्म पर हो रहा है, एक्शन फ्लेक्जन है, फ्लेक्जन अकेला नहीं होगा, साथ में एडक्शन भी होगा लिटिल बिट, और इनर्वेशन के नाम पर क्या है, अल्ना नर्व इसकी सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट मसल कौन सी थी, फ्लेक्जर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्जर कार्पाई रेडियलिस का अटैचमेंट भी कहाँ से होगा, फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल। इंसर्शन कहाँ होगा, एट द बेस ऑफ मेटाकार्पल सेकेंड एंड थर्ड। ये देखिए यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, और इंसर्ट हो गई, जो बोन डार्क हो रखी होती है डायग्राम में, जो भी डार्क है वहाँ से ओरिजिन होता है, और जहाँ जहाँ डार्क होती है वो इंसर्ट है। तो यहाँ सब में डार्क कौन दिख रही है, मेटाकार्पस कौन सी, सेकेंड और थर्ड। तो रेडियलिस कहाँ पर होती है, फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस, कार्पाई मतलब रिस्ट, रिस्ट को क्रॉस करते हुए इसका इंसर्शन होता है। एक्शन इसका क्या है, फ्लेक्जन प्लस एबडक्शन। इसका एक्शन क्या है, फ्लेक्जन प्लस एबडक्शन। एबडक्शन क्यों, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से पोजीशन रखते हैं अपने हैंड की, मैक्सिमम हमारा हाथ ऐसे रहता है। ठीक है, तो अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँगा, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट क्या है, अपना एंटीरियर कंपार्टमेंट के हिसाब से ये क्या कराएगा, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, यानी सुपाइन पोजीशन मेरी बॉडी की एंटीरियर कंपार्टमेंट है। तो इसमें ये मसल किधर रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी, थंब रेडियल। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, सेकेंड थर्ड यहाँ पर इनका इंसर्शन होगा यहाँ पर ये। ठीक है, अपने नकल्स पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्पल खत्म हो, यहाँ पे मेटा कार्पल खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपना इंसर्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन इस इम्पोर्टेंट बात क्या है, नर्व सप्लाई। यहाँ पर नर्व सप्लाई चेंज हो गई, यहाँ पर नर्व सप्लाई क्या रहेगी, मीडियन नर्व से। ठीक है, अल्नरिस में अल्नर से रहेगी, रेडियलिस में मीडियन से रहेगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मसल है उसका नाम है पाल्मेरिस लॉन्गस। पाल्मेरिस लॉन्गस इज एबसेंट इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसा है, ये मसल हर एक किसी के अंदर नहीं होती। डाइसेक्शन टिप्स, जस्ट डिस्टल टू द रिस्ट, इफ यू फ्लेक्स रिफ्लेक्ट बैक द पाल्मेरिस लॉन्गस, यू विल फाइंड मीडियन नर्व इमीडिएटली अंडरनीथ इट। मतलब जब आप डाइसेक्शन करते हैं, तो इसमें क्या है कि जब आप इसमें कट करेंगे रिस्ट से जब ऊपर, तो जब आप मीडियन नर्व के कोर्स को फॉलो करेंगे, तो मीडियन नर्व जस्ट इसके नीचे से पास होती है। यू विल फाइंड द मीडियन नर्व इमीडिएटली अंडरनीथ इट। अटैचमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो ओरिजिन कहाँ से होता है, मीडियल एपिकोंडाइल से। इंसर्शन कहाँ होता है लॉन्गस का, मैंने पहले भी बताया था, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ द रिस्ट। कहाँ पर होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ द रिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाल्मेरिस लॉन्गस है। ठीक है, और इसका जो टेंडन आके आगे जाके क्या करेगा, रेटिनाकुलम। ये देखिए सारी फिंगर्स के सारे जितने भी हमारे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड होता है ना पाल्मेरिस एपोन्यूरिस, से भी मैं बताया था। तो उस ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में इंसर्ट हो जाता है, और पाल्मर एपोन्यूरोसिस के अपेक्स पार्ट पर, यहाँ पर इसके आगे होता है पाल्मर एपोन्यूरोसिस भी होता है। तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पर आपको जो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इसका भी नर्व सप्लाई क्या है, मीडियन नर्व, और एक्शन क्या है, फ्लेक्जन एट द रिस्ट। ठीक है, इसके बाद
अभी दो वर्ड आपके लिए दिमाग में चकरा रहे होंगे, रेटिना कुलम क्या है और ये क्या है, इसके लिए अलग से वीडियो होगी क्योंकि ये एक अलग से कनेक्टिव टिश्यू पार्ट है। कुछ चेंजेस हैं टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ हैंड बोन्स एंड देयर अटैचमेंट सरफेस। ठीक, पाल्मरिस लॉन्गस के बाद नेक्स्ट है प्रोनेटर टीरिस। अब भाई ये प्रोनेटर टीरिस क्या है? इट इज़ लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरिस फॉर्म द मीडियल बॉर्डर ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। अरे वाह, ये जो वर्ड है क्यूबाइटल फोसा, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी क्योंकि ये एक स्पेशल रीजन है क्यूबाइटल फोसा। इट इज़ एन एनाटॉमिकल ट्राइंगल लोकेटेड ओवर द एल्बो। ठीक है, तो जो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है तो उसका जो कौन सा एंड है? मीडियल बॉर्डर। कौन सा? मीडियल, ये कौन सा हो गया? लेटरल क्यूबाइटल फोसा का। ठीक है, और इसमें ये आपका हो गया हैंड, और हैंड में ये फिंगर्स, तो थंब बाहर की तरफ होगा सुपाइन पोजीशन में। तो यहाँ पर एल्बो जॉइंट के जस्ट नीचे ट्राइंगुलर एरिया दिखता है, इसी को बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। लेकिन इसमें और भी मसल्स होती हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि क्यूबाइटल फोसा का जो मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर ये, और एक इस तरीके से बनेगा दूसरी मसल से। तो ये जो मीडियल बॉर्डर है इसका क्या होता है इसमें प्रोनेटर टीरिस में? तो क्यूबाइटल फोसा का मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है? प्रोनेटर टीरिस। अटैचमेंट, इट हैज़ टू ओरिजिन, वन फ्रॉम मीडियल एपिकोंडल एंड अदर फ्रॉम द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। देखो ये भी अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस से, ये कोरोनॉइड प्रोसेस से ऑरिजिनेट हो रही है। इट अटैच लेटरली टू द मिड शेफ्ट ऑफ द रेडियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर रिस्ट को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन ये रिस्ट को क्रॉस नहीं करती है, सीधी कहाँ होती है? रेडियस पर इसका इंसर्शन हो जाता है, इसीलिए इसका फंक्शन क्या रहेगा? प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म। ये सुपाइन है और इसने हमने ऐसे रिस्ट को कर दिया, तो ये जो पोजीशन है ये कौन करा रहा है? प्रोनेटर टीरिस। इसकी नर्व सप्लाई भी क्या है? मीडियन नर्व। इसकी सप्लाई क्या है? मीडियन नर्व। और इसका देखिए इंसर्शन में मैंने क्या बताया? मिड शेफ्ट ऑफ द रेडियस। तो रेडियस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जब रेडियस वोन पड़ेंगे उसको बोलते हैं प्रोनेटर ट्यूबरोसिटी, तो उस ट्यूबरोसिटी में इसका इंसर्शन होता है। मैंने बताया था कि सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में टोटल पांच मसल हैं, जिसमें चार सुपरफिशियल हैं, एक इंटरमीडिएट है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में पांच बोली जाती हैं क्योंकि वो इंटरमीडिएट ग्रुप को नहीं मानते, वो कहते हैं ये भी सुपरफिशियल का पार्ट है। तो इंटरमीडिएट फ्लैग कंपार्टमेंट, या कह सकता हूँ सुपरफिशियल कंपार्टमेंट, द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इज द ओनली मसल ऑफ द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। इट कैन समटाइम्स बी क्लास अंडर सुपरफिशियल मसल, बट इन मोस्ट कैडावर्स इट लाइज मीडियल बिटवीन द डीप एंड सुपरफिशियल मसल लेयर। सिंपल समझ आ गया। द मसल इज गुड एनाटोमिकल लैंडमार्क इन द फोर आर्म। द मीडियन नर्व एंड द अनर आर्टरी पासिस थ्रू इट्स टू हेड्स। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, मीडियन नर्व और अल्ना आर्टरी कहाँ से पास होती है? इट्स टू हेड्स एंड देन ट्रेवल पोस्टीरियरली। तो देखिए एंटी एंड से पोस्टीरियर जाने के लिए इसको कहाँ से पास होना पड़ता है? मीडियन नर्व और अल्नर आर्टरी को, इस मसल के दोनों हेड्स के बीच में। तो इस मसल के दोनों हेड मतलब, तो देखिए फ्लेक्सर डिजिटोरम में दो हेड बन जाते हैं, कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। देखिए एक तो सिंपल है, अगर मैं अटैचमेंट देखता हूँ तो पता चलेगा इट हैज़ टू हेड्स, वन ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल एज यूजुअल एंड द अदर फ्रॉम द रेडियस। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ फाइबर्स देखिए रेडियस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, रेडियस इस तरफ है ये हाफ, ठीक है, और कुछ फाइबर्स आपके इधर से ओरिजिनेट हो रहे हैं मीडियल एपिकोंडाइल से। तो इसीलिए वो कह रहा है कि दो हेड, अब इन दो हेड्स के बीच में से ही कौन क्या निकलती है? मीडियन नर्व और अल्नर आर्टरी। तो ये लैंडमार्क है एनाटॉमी में, जब आप कैडावर की स्टडी करते हो, डायसेक्शन करते हो, तो वहाँ पर आप आसानी से इस मसल को पहचान सकते हो कि इसके दोनों हेड के बीच में से ये दोनों स्ट्रक्चर पास होते हैं। इंसर्शन, द मसल स्प्लिट इंटू फोर टेंडन्स एट रिस्ट विच ट्रेवल थ्रू द कार्पल टनल एंड अटैच टू द मिडिल फेलेंजेस ऑफ द फोर फिंगर्स। ये देखिए इसका टेंडन आगे जाके कार्पल टनल से पास होकर आगे जाके कहाँ होता है? ये देखिए चार टेंडन स्प्लिट हो गए, किसमें स्प्लिट हुए? ये मिडिल फेलिंग्स। तो देखिए ये प्रोक्सिमल
डिस्टल, और ये मिडिल। डार्क कलर से मिडिल दिख रही है, और ये डिस्टल दिख रही है, और ये प्रॉक्सिमल दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दोनों टेंडन अपने अटैच हो गए, इसीलिए फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स भी बोला जाता है ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम, डिजिटोरम डिजिटोरम मतलब वही डिजिट्स, तो उसका इंसर्शन हो रहा है। अच्छा, इसका भी नर्व सप्लाई कहाँ से है? मीडियन नर्व, ठीक है, इसका भी नर्व सप्लाई कहाँ से है? मीडियन नर्व से। और एक बात और, फ्लेक्सर डिजिटोरम का टेंडन सिंगल सिंगल भी फिर आगे जाके डबल में स्प्लिट हो जाता है, एक और हर एक दोनों टेंडन दोनों साइड से, मतलब जो ये आपका क्या है मिडिल फेलेंज की दोनों साइड से अटैच होता है इस तरीके से। मान लीजिए मिडिल फेलेंज है और ये क्या कहते हैं मेनली कार्पल टनल पर, ये इस तरीके से होता है टेंडन, आगे जाके स्प्लिट होके इसको इस तरीके से होल्ड कर लेगा इस तरीके से बोन को, ठीक है, मिडिल फेलिंग्स को, तो इस तरीके से दोनों कॉर्नर पे, तो ये इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सुपरफिशियल मसल देख ली, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं डीप मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट।